शारदे के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं अपने सभी आदरणीय शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ और अपने इस आदरणीय क्लासेस स्नेहिल परिवार में अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। मुझे इस संस्थान में जुड़े हुए लगभग 1.5 वर्ष हो गए और जस्ट मेरा वही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था जब हम आए थे यहाँ पर, तो बस GS और हिंदी थोड़ी सी आती थी मुझे और रीजनिंग मुझे नहीं पता था कि किसी चैप्टर का नाम होता है या कि इसका कोई सिलेबस होता है, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो मेरी इतनी अच्छी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि 1.3 को 13/10 में लिखा जा सकता है। और मुझे पता, आप ही सर को शायद नहीं पता होगा, जब हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ क्लास लेने तो ये घड़ी जो दिख रही है इसी में हम भी पढ़ते थे। मुझे पता 45 मिनट कैसे घड़ी देख देख के बिताते, सर जी आए जाए, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैं बची रहूं और किसी तरीके से छुटकारा मिले 45 मिनट में क्लास में। मुझे कुछ समझ ही ना आए और कई बार मैंने सर प्रिया से कहा भी था कि अगर मैं क्लास लास्ट में होती किसको हम छोड़ दिए होते, और जो है टाइम वेस्ट है बस ये 45 मिनट। अब आदमी को किसी को कुछ आ नहीं रहा तो उसको तो बोरिंग लगेगा ही। हमें लगता है जो मतलब नए बच्चे आते हैं सबके, मतलब कुछ लोगों के साथ जिसकी कंडीशन हमारी वाली रहती होगी जरूर फील होता होगा। और इसी वजह से शायद यही वजह है कि अगर कोई मतलब नई लड़की आती है क्लास में, अगर हमारे बगल रहती है वो, तो हम पूरा हमको पूछने में भी शर्म आए कि कहेंगे इनको ये भी नहीं आ रहा है। तो अगर कोई मेरे बगल है उसको नहीं आ रहा है, मुझे लगता है पहली वाली आकांक्षा है जो 1 साल पहले थी, मैं खुद ही बताना शुरू करती हूँ ऐसे करो वैसे हो जाएगा, प्रयास करो हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रयास करना शुरू किया, चीजें धीरे धीरे बदली। और उस टाइम पे ऐसे था कि जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो हम बोलते थे मेरा पूर्णांक 75 का है, माइनस करो 25 मैथ का, उसमें कोई तुक्का भी नहीं लगता था, कंडीशन ये थी। और UPSI का एग्जाम था, आ गए थे, बस हार्म निकला मेरी, एज आ गई तो आगे तैयारी करने, तो उसमें हम यही सोचते थे 14 क्वेश्चन किसी तरीके से ऐसी मैथमा में हो जाए तो आगे का तो हम देख ही लेंगे। और वहाँ पे और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम टेस्ट देते थे उसके बाद है तो क्वालिफाई, बस उसके बाद तो हम देखेंगे। और लेकिन जो है कोई एक्सपीरियंस था नहीं एग्जाम का, वहाँ गए मेरा 10 क्वेश्चन रीजनिंग का ही छूट गया, लेकिन मतलब अटेम्प्ट नहीं हुआ कि हम तुक्का ही लगा दें उसमें। जब रिजल्ट आया तो आंसर दिया है तो मेरे 101 क्वेश्चन सही हो रहे थे उस टाइम पे शुभम सर से, तो उन्होंने पूछा कितना है क्या है, मैंने बताया तो और बच्चों का बताया कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इतना है ऐसे है। तो फिर लगा कि जैसे कहते हैं ना कि असफलता में आपको मोटिवेशन मिल जाए, हमें लगा यार मतलब 2-3 महीने पढ़ाई में कुछ नहीं आ रहा था, हम यहाँ पहुँच गए, मतलब सही दिशा में पढ़ना चाहिए। उसके पहले मेरा जो है पिट का एग्जाम था, मैसेज डाल दिए थे तो उसमें मेरे 75 नंबर आ गए, तो फिर लगा कि में सब लग जा रहा है तो ठीक ही है, फिर प्रयास करना चाहिए। फिर अभी मैंने लेखपाल दिया, 0.75 से बाहर हो गए उसमें DV से, तब फिर भी ये लगा कि मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। वही है ना कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो ये छोड़ना नहीं है, निरंतर आप लगे रहिए। जिस दिन साई का रिजल्ट आया था, प्रिया अपने घर गई थी, दोस्त ने मेरी फोन करके कह रही है हम जैसे सुबह अलार्म लगाए थे कि चलने कोचिंग जाएंगे, जैसे अलार्म मतलब बजा तैयार होने के लिए उठे तो देख रहे हैं UPSI का रिजल्ट आ गया, अब उसमें नाम मिल नहीं रहा, फिर सोचे चलो तैयार है कोचिंग चले जा रहे हैं। तब तक प्रिया का फोन आया, क्या हुआ, मेरे का कुछ हुआ नहीं, तो SI बने नहीं जा रहे, कांस्टेबल बनने। तो ये था कि भले मतलब हमने कभी ये नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ये था कि नहीं होगा जरूर आगे होगा। और कभी मैंने मादा उसका नहीं मनाया, लगा कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गए, बस थोड़ा सा और प्रयास करना बाकी है। अब आए थे घर से यहाँ, हमें लग रहा जो बच्चे घर से शहर आते हैं पढ़ने के लिए किसी को अच्छा अच्छा नहीं लगता है, स्टार्टिंग में आए मैं कुछ भी हो जाए हम जा रहे हैं घर, 45 मिनट हम जाने कैसे मैं फिल्म काटते हैं यहाँ पे, लेकिन घर वाले मुझे इतने थे कि नहीं रहना तुम्हें वही है, बस मजबूरी में 1-2 महीने टिके थे। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे चीजें अच्छी लगने लगी और हम एक बार आगे वाली क्लास में वहाँ उधर बैठे थे तो आगे से की आदत है क्वेश्चन देने के बाद टहलना शुरू करते हैं कौन बच्चा क्या हल कर रहा है क्या नहीं, और मुझे बस यही डर था कि कभी हमसे ना आंसर पूछ लिया जाए, आसान हमसे 2 का पहाड़ा सुनाने कह देते, डर की वजह से हम सुना पाते उस टाइम। अब बैठे बैठे लेकिन वही है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी ना किसी ने तो फंसना तय है। सर जी कह रहे क्या तू बैठने से जो है साल हो जाएगा, पेन नहीं चला के तब हो जाए, हम झूठे ही चीजें कर रहे थे उसमें कि लगे कि पेन चल रही है, लेकिन उस दिन हम पकड़े गए थे। उसके बाद से आज तक हमने आगे वाली सीट पे हम कभी नहीं बैठे हैं, साल शायद सबको नहीं पता होगा, हम अभी भी क्लास में बैठते हैं सेकेंड सीट पे, लगता है ऐसा ना देख रहे हो मेरी मेरी कॉपी। लेकिन ये था कि उसके बाद चीजें बदली और जब GD का एग्जाम था तो पहला मॉक टेस्ट हुआ, फिर सर बोले कि अभी सब सब्जेक्ट में अच्छा कर रही हो, बस एक मैथ तुम्हारा ही सुधर जाए तो सही हो जाए।
फिर हमने देखा कि हमारे सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए, उसके बाद उसके क्लास में कह रहे हैं मैथ नहीं सुधरी तुम्हारी, कब सुधरेगी, कर रहा है, उसके बाद हमें जट नहीं दे पा रहे। हमने भी मतलब छोड़ के भागे नहीं थे, यूट्यूब पे जो सर की क्लासें पड़ी थी, जो सर पढ़ाते थे, हमने प्रयास करना जारी रखा। और मैंने एक दिन मैथ की ऐसे गलती से मतलब बुक उठा ली, कभी उठाते नहीं थे, आप उसमें एक के बाद लगातार 10 क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। मैंने कहा आपसे बुक तो नहीं उठाएंगे कुछ भी हो जाए, मतलब ये हतोत्साहित हो गए थे ना कि हमारे बस का नहीं। फिर हमने क्या किया, जितना सर डेली प्रैक्टिस मतलब करवाते थे, आज भी मेरा यही चल रहा है, रट में एक क्वेश्चन नोट होते हैं उसी का मैं बार बार प्रैक्टिस बार बार। मैंने सोचा कि अगर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मेरे एग्जाम में तब वो ना छूटे बस। और यही हुआ कि 20 क्वेश्चन थे मैथ के जीडी में, मेरे जो है 17 क्वेश्चन सही हो गए, 3 जो नहीं हुए वो टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, वो छूट गए। और उस सब्जेक्ट में जाके इतना पहुंचा जहां मेरा कभी 40 में बिना माइनस मार्किंग के 7-8-9 नंबर सिर्फ आता था। और ईसाई में फेल होने के बाद कुछ लोग बोले भी कि जो है पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, बाहर ऐसे ही रह रहे हैं। तो सबकी कोई ना कोई आदत होती है, कोई रील देखता है, कोई मूवी देखता है। मेरी आदत थी, मेरी या कहें कि कविता सुनने की लत लगना, कविता मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, और कभी कभी शौकिया तौर पर लिखती भी हूँ। ईसाई में फेल होने के बाद मैंने किसी भी संजय सर से, उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग बात कर रहे थे, संजय भी कह रहे थे कि जो है सोएंगी लड़कियाँ आके, उसकी बात की। उस टाइम में मैंने एक कविता लिखी थी, शायद आप सबको भी मोटिवेशन मिले, जो मैंने बस अपने दिल के भाव को व्यक्त किया था उन पंक्तियों में कि मंजिल अपनी मुझे पता है, बस थोड़ी सी डगर कठिन है, पथ पर नियमित चलना सीखे, कहाँ कभी कुछ कहीं कठिन है। और ये जो है कि मैंने ये पंक्तियाँ लिखी है कि पथ पर नियमित चलना सीखे, नहीं पहली पंक्ति मैंने लिखी है कि मंजिल अपनी मुझे पता है, बस थोड़ी सी डगर कठिन। डगर कठिन क्या थी आप गेस कीजिए, मैथ, उसी के लिए मैंने लिखा था। और आर्मी सर हमेशा कहते थे डेली प्रैक्टिस करो तब भी होगा, तो उस पर मैंने अगली पंक्ति लिखी है, पथ पर नियमित चलना सीखे, कहाँ कभी कुछ कहीं कठिन है, सीखते सीखते सीख ही जाएंगे। और फिर होता नहीं कि एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं, उसके बाद फिर उठ रहे हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं, उस पर मैंने लिखा यहाँ तो बस वे ही टिक पाते जो गिर कर भी जरा ना टूटे, गिर कर फिर ऐसे उठ जाओ जैसे ऊर्जा अधिक नहीं। लक्ष्य तभी तुम बेच सकोगे जब खुद पर विश्वास अड़िग हो। छात्र जीवन को तो संघर्ष सदा परिभाषित करते, बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं है, छात्र जीवन है वही तो उसको परिभाषा दे रहा था संघर्ष। छात्र जीवन को तो संघर्ष सदा परिभाषित करते, सम्मानित वही छात्र जीवन जब अनुशासन आभूषण जैसे। प्रतियोगी इस दौर में बेशक कुछ भी यूं आसान नहीं है, आदमी भले कई सही चीजें कंपटीशन बढ़ता जाए। और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देना, ये सारी चुनौतियां आती हैं जो कंपटीशन की लाइफ में आ चुके हैं उनके। उसमें मैंने लिखा था कि विद्यार्थी जीवन में चुनौतियां हर रोज नहीं है, विद्यार्थी की दूर भले हो पर अपना विश्वास यही है जीत हमारी निश्चित होगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जिम्मेदारी और ज्यादा है, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, यही कहेंगे कि परों में जान न
नजर आसमान में रखना, हर एक निगाह तुम्हीं पर है, ये ध्यान में रखना, हर एक इम्तहान में रखना। आप अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से समझती और यही कहेंगे जैसे आप सब कह रहे कि समय रहते जग जाइए, आप कहीं ऐसा ना हो जाना कि आप सिलेक्शन पा जाएं उसके बाद भी आप दुखी होंगे। शायद होता नहीं कि कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ पास होके तो मतलब रो रहा है, कुछ फेल होके रो रहा है, आदमी समझ नहीं पाता। बहुत कभी कभी जिंदगी ऐसे दो राह पर खड़ा कर देती है ना कि लगता है कि पहले चल गए होते, शायद ये चीज़ें सामने ना आती थी। इसलिए कह रहे कि समय रहते जगिए और इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से ही घायल और उम्मीदों से ही जिंदा है। यही शायद मैंने सपना ये इसी में जब रिजल्ट आया था जीडी का, ना जाने कितने बच्चे पास होते। ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत में कमी थी, हो सकता है आगे कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो आपके लिए, वो कहीं ना कहीं बाहर होगी जो है परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए कह रहे कि वही उन्हीं के लिए कह रहे कि मतलब जीत तो निश्चित है, वो तो होनी तय ही है, बस आप हार मत मानिए, निरंतरता आप बनाए रखिए। वही है कि लाख दलदल हो मगर पैर को जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि चलने से पानी नहीं उठता, बस बर्फ बन जाने तक अपने सब।